नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हो गया है 31 जुलाई। आज के मोस्ट 20 करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस चैनल पर डेली 7:30 बजे 20 करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं, जो कि पूरे दिन के करंट अफेयर होती है। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, या पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर। नेक्स्ट हम बात करें तो मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो वो किस खेल से जुड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस खेल से जुड़ी हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें तो किस राज्य सरकार द्वारा गोल बिना मूल विजय योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो निम्न में से किस देश ने क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2024 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हाल ही में सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू FMCG ब्रांड कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्ले। पार्ले जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भगवान राम को भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाओस। लाओस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हाल ही में किसने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुदीप सेन गुप्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हाल ही में किसने सर्च GPT लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OpenAI। OpenAI आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हाल ही में भारत को कहाँ के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से। नेक्स्ट हम बात करें तो हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुबई। दुबई में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो हाल ही में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि 32.73 हो जाएगा परसेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 628 बाघों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट हम बात करें हाल ही में कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। नेक्स्ट हम बात करें हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला है। नेक्स्ट हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 30 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ सहित किन जिलों के 27,826 वर्ग मील के क्षेत्र को राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि SCR घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के नए सभापति
का नाम बताइए, तो इनका नाम है बाबू, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अवधेश नारायण सिंह। आज का हमारा होमवर्क, हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो एक लाइक प्लीज़ करिएगा ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।